अगरकना आला फिराउन, और हमने गरक कर दिया कौमे फिराउन को। वह अंतुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे। ये है असल नेमत। जब फिराउन डुबकियां ले रहा होगा तो जिनके बच्चे ज़बह हुए थे वो अपनी आंखों से ये मंजर। तो जालिम उसको जुल्म की सजा मिले ना। लाल मस्जिद पे जिन लोगों ने जुल्म किया और मुवैदा हो जाने के बाद उसमें काहली की और मासूम बच्चियों को गोलियों से छिलनी करके खाक बना दिया, उसके जो करता धरता लोग थे, हमारा बड़ा दिल करता था कि या अल्लाह तेरे अजाब के शिकंजे में आए और हम उन्हें देखें। फिर आए वो शिकंजे में। उस वक्त जो वजीर आजम था, क्या नाम था उसको, शौकत अजीज, वो अरबपति है, अरबपति, खरबपति, शौकत अजीज, उसका एक बेटा था, तड़प तड़प के मर गया। इस वक्त खुद उसकी अपनी हालत देखने के काबिल, वो एक ही बात कहता रहता है, मैं दस्तखत नहीं कीते, मैंने उस हुक्म पे दस्तखत नहीं किए, यही कहता रहता है। अरबों खरबों की जायदाद संभालने वाला कोई नहीं। तू मशाओ मगरूर बर हिल्म खुदा, देर गीरत सख्त गीरत मर तुरा। तू अल्लाह के हौसले पर मगरूर ना हो, वो देर से पकड़ता है मगर सख्त। तो आंखों से बंदा देखे ना तो फिर मजलूम को बड़ी खुशी होती कि जिन लोगों ने जुल्म किया। उमैया हजरत बिलाल को तपते हुए कोलों पे लिटाता था। बदर के दिन उमैया हजरत बिलाल को टकर गया, ये लगा ना भागने, तो हज़रत बिलाल ने आवाज, यल मुहाजरी यल अंसार, ओ मुहाजरीन ओ अंसार, होर भावे जेड़ा जानदा नस जावे इस नू नहीं जानती। तो तपते हुए कोलों पे लिटाया करते। फिर वो कत्ल हुआ ना, वहां कत्ल हुआ। अबू जाल जब मारा गया तो इसकी खबर लेने के लिए मेरे नबी ने जिस सहाबी को भेजा वो है अब्दुल्लाह इब्ने मसूद। हजरत अली को नहीं भेजा, हजरत हमजा को भी नहीं भेजा, हजरत साद इब्ने अभी वकास को भी नहीं भेजा। ये दुबले पतले कमजोर से छोटा सा कद है, बाद सहाबा उठा के दीवार पे बिठा देते। नबी पाक का मिसवाक, लोटा, मुसल्ला इनके पास होता। ये ताजा मिसवाक तोड़ के लाते, दरख्त पे चढ़े, पिंडलियों से चादर हटी तो छोटी छोटी पिंडलियां सूखी हुई, सहाबा हंस पड़े। आपने फरमाया, इब्ने मसूद की पिंडलियां देख के हंस रहे हो, ये कयामत के दिन ओद पहाड़ से ज्यादा वजनी निकलेंगे। बकरियों के चरवाए हैं, मक्के में बकरियां चराते थे, क्या हैसियत थी उनकी। इनको भेजा भी उसकी गर्दन कलम करके। इन्होंने भी जाके सीने पे पांव रखा, चौधरी जी की हाल है, कैसी गुजरी। उसने कहा, पहले ये बता नतीजा क्या निकला है। इन्होंने कहा, अल्लाह ने हमारे नबी को फतह दी है, तुम्हें शिकस्त हुई है, मैं तेरी गर्दन कलम करने। अल्लाह फिर दुश्मनों को, जालमों को जब जलील करता है तो फिर
इस तरह अल्लाह जलील कर देते। तुम देख रहे थे, तुम्हारे सामने वो गरक